ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को तुम ऐसे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फॉर्मड यूजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने के लिए बोल रहा है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो अगर मैं बोलूँगा कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो वो तो एट ऑर्डर्स होंगे, एट पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एट पॉसिबल ऑर्डर से तुम कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो इसको तुम एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ लो। हम लोग करते क्या है कि इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो, हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि इसको तुम ऐसे देखो, हमने ना एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया, 1, 2, 3 एंड 4, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इस ए मैट्रिक्स के क्रॉस्पॉन्डिंग तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो। इसमें तो 4 एलिमेंट्स है, इसी 4 एलिमेंट्स को यूज़ करके तुम कितने डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हो। तो तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैं 1 को 2 के पोजीशन पे रख दूँ और 2 को 1 के पोजीशन पे रख दूँ, तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर मैट्रिक्स के मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, तो मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट है। तो अगर आप उसके एलिमेंट्स को के प्लेस को चेंज करोगे, तो मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2, 1, 3, 4, तो अब ये ए मैट्रिक्स नहीं बचा, ये मैट्रिक्स चेंज हो गया, अब ये बी मैट्रिक्स बची है, बन गया। फिर अगर मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा 1, 3, 2, 4, तो अब ये फिर ए मैट्रिक्स नहीं बचा, ये फिर ये एक नया मैट्रिक्स बन गया सी। नंबर्स भले ही 1, 2, 3, 4 यूज हो रहे हैं, बट इसके जो एलिमेंट्स के जो प्लेस है वो चेंज हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए, एट पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए मैट्रिक्स के, एट पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए, ठीक है। और हर पॉसिबल ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं, ये भी बात समझ में आ गया। उससे भी पहले तुम इसको फिर ऐसे देखो, इस पर फिर आ जाते हैं और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार इसको ऐसे देखो। अब मैं बोलूं कि इस ए मैट्रिक्स के क्रॉस्पॉन्डिंग तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो जिसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ही यूज हो। तो तुम ऐसे सोचोगे कि हम जितने बार एलिमेंट्स के प्लेस को चेंज करेंगे, तो हमें नए नए, जितनी बार हम लोग एलिमेंट के प्लेस को चेंज कर सकते हैं, उतनी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। टोटल कितने प्लेस हैं, 4। तो अगर मैं 4 प्लेस पर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बोलूं, तो कितने पॉसिबल वे से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। ये भी पीएनसी का कंसेप्ट है। अगर मैं 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को 3 डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करने के लिए बोलूं, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और हर और पॉसिबल ऑर्डर में कितने प्लेसेस है, 40 प्लेसेस है, ठीक है ना। तो 40 प्लेसेस है, तो तुमने कोई भी एक पॉसिबल ऑर्डर उठा लिया, जैसे एक हमने पॉसिबल ऑर्डर उठा लिया 1/40 का, तो ये 1/40 का एक पॉसिबल ऑर्डर आ गया। अब उस एक पॉसिबल ऑर्डर में 40 एलिमेंट्स हैं, तो 40 एलिमेंट्स है तो 40 डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो 40 डिफरेंट प्लेसेस हैं, 40 एलिमेंट्स हैं एक पॉसिबल ऑर्डर में, 40 डिफरेंट प्लेसेस एंड 40 एलिमेंट्स। अब मैं बोलूं कि उस एक पॉसिबल ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो, तो ऑब्वियस ये बात है 40 फैक्टोरियल डिफरेंट मैट्रिसेस बन जाएंगे। जैसा अभी बोला ना मैंने, इस एग्जाम्पल में लिया, अगर मैं बोलूँ कि इस ए मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग तुम कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो, तो कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बोलने का क्या मतलब हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, क्या हो जाएगा, 24 डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, एक पॉसिबल ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हैं, 40, तो 40 प्लेसेस हैं, तो एक पॉसिबल ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे, 40 फैक्टोरियल।
तो एट पॉसिबल ऑर्डर्स के क्रॉस्पॉन्डिंग कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे, 8 × 40 factorial। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, पीएनसी का क्वेश्चन था ये, सिंपल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये 8 × 40 factorial, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अब जैसे होता क्या है कि मैट्रिक्स, तो मैंने क्या बोला, इज नॉट अ रियल नंबर, बट हम अरेंजमेंट्स को इक्वल बोल सकते हैं। कैसे इक्वल बोल सकते हैं? जैसे मैं अगर बोलूं कि टू डिफरेंट रूम्स में ऑब्जेक्ट्स जो हैं इक्वल वे में अरेंज किया हुआ है, इक्वल वे में रखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही पहले रूम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम एग्जैक्टली दूसरे रूम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों अरेंजमेंट्स इक्वल है, ठीक है ना। तो हम अरेंजमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैट्रिक्स के केस में क्या है कि अगर मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए, जिसको हमने क्या बोला, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स हमने बोला बी, उसको क्या बोला, बी आई जे पी क्रॉस क्यू का है, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स हो गए। अब इसमें हमने क्या किया कि इसको अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इक्वल बोलना है, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस होने चाहिए बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहला कंडीशन, नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो इसमें कितने रोज हैं, एम रोज हैं, इसमें कितने रोज हैं, पी रोज हैं, तो एम शुड बी पी इक्वल टू पी, जो कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें कितने कॉलम्स है क्यू, तो क्या होगा, एन शुड बी इक्वल टू क्यू, ये भी होना चाहिए। दूसरा, ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to m एंड जे इज इक्वल टू 1 to n। मतलब क्या हुआ इस बात का, यहाँ पे मैं m की जगह p भी यूज कर सकता था और j की जगह q भी यूज कर सकता था, बिकॉज m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q। ये क्या बोल रहा है कि तुम इसका a एलिमेंट मैट्रिक्स का कोई भी एक जनरल एलिमेंट उठाओ a i j, वो किसके इक्वल होने चाहिए, b के b i j के, किसी भी i और j के लिए। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने i का वैल्यू 1 रखा, j का वैल्यू 2 रखा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, a 1 2 शुड बी इक्वल टू b 1 2। अगर मैंने i का वैल्यू 3 रखा और j का वैल्यू मान लो हमने 4 रखा, तो a 3 4 इज इक्वल टू b 3 4। इसका क्या मतलब है कि क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स में एंड बी मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं। अब क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम किसे बोलेंगे, क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए 2 1 एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स का ए 2 1 एलिमेंट, ये आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम क्या बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। मतलब कि हर एक क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसको तुम ऐसे समझ लो, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझ लो इसको तुम। जैसे मैं करता क्या हूं कि एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे ले लेता हूं, मान लो कि हमने एक ऐसे मैट्रिक्स ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6, एंड एक बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 3 2 4 5 6। अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैं बोल रहा हूँ ट्रू और फॉल्स, ट्रू बताओ और फॉल्स बताओ।